स्वागत है आपका मेरा चैनल सिलाईवन ट्यूटोरियल में। सिलाईवन ट्यूटोरियल में बेसिक पार्ट जो हमारा चल रहा है, बेसिक पार्ट ऑफ स्टिचिंग कोर्स ए पार्ट जो चल रहा है हमारा, उसमें आज मैंने आपको टॉपिक 15 कराना है। टॉपिक 15 में हमने 6 कट वाली जो पेटीकोट है उसकी कटिंग बतानी है, और इसमें मैंने आपको इंची टेप से किस तरह से मेजर करके कमर मेजर करके, और उसमें हमने जो मेजर करके जिस तरह से मैंने उसमें कमर पट्टी से बताया था, अब इसमें आपको इंची टेप से बताऊंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना कोर्स। फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं या फिर आप भी ये कोर्स करना चाहते हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन जरूर दबाइएगा ताकि कोई भी वीडियो अपलोड करूं तो आप तक उसका नोटिफिकेशन पहुंच सके और जल्दी जल्दी कोर्स कंप्लीट कर सके। तो चलिए सबसे पहले हम प्रोजेक्ट फाइल में देख लेते हैं कि किस तरह से इसका कंप्लीट करना है। प्रोजेक्ट फाइल में जो लाइन बाय लाइन हम पढ़कर इसको कटिंग करते हैं वो पढ़ लेते हैं। तो यहाँ देख सकते हैं मैंने यहाँ पर कटिंग पीस लगाया हुआ है इस तरह से, और यहाँ पर मैंने इसकी पॉइंट्स लिखे हुए हैं कि क्या करना है। सबसे पहले तो मैं आपको इसका पढ़कर सुना देती हूँ कि इसमें है क्या हमारे पास। देखिए, यहाँ पर सबसे पहले है 6 कट वाली कटिंग की जो सिलाई, 6 कली वाली 6 कट वाली जो पेटीकोट है उसके बारे में क्या लिखा हुआ है। यहाँ पर देख सकते हैं आप कि 6 कली साया जो तैयार करने के लिए जैसे हम सिंपल और 4 कली साया में कमर पट्टी और फीता निकाले थे वैसे ही निकाल लेना है, और फिर लंबाई में मोड़कर एक बार चौड़ाई में मोड़ देंगे, और फिर इसकी एक उंगल दूरी पर निशान लगा लेंगे, फिर इससे तिरछा दूसरे किनारे पर रखकर सेम कमर पट्टी रखकर उंगली की तरफ, जैसे हम 4 कली का एक दूसरे की तरफ जैसे कि एक किनारे पर रखा था फिर दूसरे किनारे पर रख के निशान लगाया था वैसे ही इसमें करना है। लेकिन इसमें मैं आपको कमर पट्टी से नहीं बताना, मैंने आपको इंची टेप से बताना है। तो इंची टेप से मैं बताने के लिए सबसे पहले यहाँ पर एक नोट आप पढ़ सकते हैं कि नोट क्या लिखा हुआ है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर नोट है, अगर साया मेजर करके किसी की कमर से नाप कर बनाना है तो हम जितना कमर होगा उसका 7 या 8 इंच लूज पॉइंट देंगे। जैसे किसी का कमर 36 इंच है तो 36 में 8 प्लस करेंगे तो 44 हो गया, और 44 का कमर पट्टी जो निकालना होगा, और कमर पट्टी को 3 बार फोल्ड करके निशान लगाना हो, या तो आप 44 को 6 से डिवाइड करके भी उसका 6ठा भाग निकाल कर निशान लगा सकते हैं और कटिंग कर सकते हैं। तो चलिए आज मैं आपको इंची टेप से बताऊंगी किस तरह से इसको कट करना है। तो यहाँ हमने 2 मीटर कपड़ा ले लिया है, इसमें अगर हमारे पास कमर 35 है, हमने किसी की कमर की लेंथ मापा जिसके राउंड करके हमने मेजर किया है तो उनका 35 इंच का बनाना है, तो हमने इसमें मैंने आपको बताया था 7 या 8 लूजिंग पॉइंट दे सकते हैं, तो इसमें मैंने 7 पॉइंट जो है लूजिंग पॉइंट देना है। तो 35 में अगर हम 7 से प्लस कर दे रहे हैं तो हमारे पास 42 आ रहा है, यानी कि हमें कमर पट्टी 42 की निकालनी है। तो यहाँ पर हम ये डबल करके जो है मेजर करके सबसे पहले कमर पट्टी निकालते हैं। तो इसमें आप देख सकते हैं, यहाँ आप देख सकते हैं कि ये कमर पट्टी है हमारी। तो कमर पट्टी निकालने के लिए हम यहाँ से मेजर करेंगे कि इसकी जो लेंथ है, इसकी जो राउंड में लेंथ कितनी आएगी। देखिए, राउंड में मैंने 35 मेजर किया है, और राउंड में इसको मेजर करने के बाद मैंने उसमें 7 पॉइंट प्लस किया है तो 42 आया है हमारे पास। तो देखिए, राउंड में मैंने मेजर किया है 35, उसमें प्लस किया है 7 तो हमारे पास 42 आया, लेकिन यहाँ पर इसको मैंने डबल किया हो तो जो 42 है उसका हाफ हमने देखना है। तो यहाँ पर हाफ हम देख सकते हैं कि हमारे पास कितना आ रहा है, तो यहाँ पर हमारे पास हाफ आ रहा है। देखिए, यहाँ पर ये 17 है तो हमें 42 का हाफ 21 चाहिए, और यहाँ पर हमारा ये 17 पॉइंट आ रहा है। तो इसमें हमने इसमें और प्लस करने के बाद हमारे पास ये 21 की आ जाएगी। तो इसमें इसके लिए हमने कपड़ा निकालना है प्लस करने के लिए। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि सबसे पहले तो हमने इसको यहाँ से कट करना है, जैसे हम लेंथ मेजर करते हैं कमर पट्टी की वैसे ही सेम कट कर देना है। यहाँ से 5 इंच और इसके किनारे से भी 5 इंच मेजर करके और इसे मार्क कर लेंगे, राउंड सीधा मार्क कर लेंगे। 5-5 इंच का हमने मेजर कर लिया और इसे सीधा मिला देंगे हम, और सीधा मिलाने के बाद एक कमर पट्टी हमारी निकल जाएगी। तो यहाँ से हम इसको सीधा मिला देते हैं। और इसे कट कर लेंगे। देखिए, सेम अगर हमने इसमें और हमें प्लस करना, हमें और चाहिए, इसमें थोड़ी सी लेंथ और चाहिए, तो हमने क्या करना है,
तो देखिए एक कमर पट्टी हमारी निकल चुकी है, लेकिन ये हमारी कमर पट्टी जो है उस कमर जो हमने मेजर किया उसके मेजर के इक्वल नहीं है। तो हमने क्या करना है इसमें, और इसमें जो प्लस करने हैं हमें, हमारे पास 34 इंच की आ रही है, तो इसमें हमें और हमें टोटल चाहिए 42 की। तो जितने भी हमें प्लस करनी है हमने यहाँ से कट कर लेना है। एक कमर पट्टी हम और एक्स्ट्रा कट करेंगे, इसके ही मेजर का एक कमर पट्टी और एक्स्ट्रा कट करेंगे। तो यहाँ से सेम मेजर करके 5 इंच की एक कमर पट्टी और निकाल लेते हैं यहाँ से। तो देखिए इसे रख कर भी कट कर सकते हैं या फिर आप मार्क करके कट कर सकते हैं। मैं इसे रख कर सेम कट कर ले रही हूँ यहाँ से। तो यहाँ से अब मैंने कट कर लिया है। अब देखिए इसको हमने कमर पट्टी को किस तरह से करना है। अब देखिए इस तरह से इसको रखने के बाद हमें जितनी भी इसमें कम पड़ी है वो हमने इसमें कट कर लेना है। जैसे हमें टोटल चाहिए था 42 का, तो 42 का चाहिए जितना, तो हमें इसमें मेजर करना है इसको कमर पट्टी को। यहाँ से 42 का हाफ जो होता है 21 होता है। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि मैंने कमर पट्टी जो निकाला है 22 इंच का निकाल लिया। यहाँ से मैंने यहाँ पे ज्वाइंट किया हुआ है, तो देखिए ये पूरे 22 इंच का मैंने लिया है। हाफ एक इंच एक्स्ट्रा लिया सिलाई के लिए, स्टिचिंग में चला जाएगा। तो अब इसके नाप का ही हमने जो बाकी बनाना है, तो सबसे पहले तो हमने कमर पर टोटल लग की 42 आ जाएगी। 42 का 6 पार्ट आपने निकालना है इसमें। तो 42 का 6 पार्ट जो होता है हमारे पास 7 आता है, तो 7 के हिसाब से हमने कमर पट्टी को जो है, जो अपनी कमर पट्टी रख के हम जो कटिंग करते हैं, तो हमने 7 पॉइंट और उसमें 2 पॉइंट एक्स्ट्रा लेना है स्टिचिंग के लिए और वो निकालना है। तो सबसे पहले हम उसमें डोरी और नीचे के जो फिल डिजाइन डालना है उसके लिए कपड़ा निकाल लेते हैं। तो यहाँ हमारे पास जो हमने 2 कमर पट्टी निकाला था उसमें से जो हाफ कमर पट्टी यूज किया और हाफ जो हमारे पास कपड़ा बच गया इसका हमने नीचे फिल डिजाइन के लिए यूज करना है, तो इसे भी हम यूज करेंगे। और यहाँ लंबाई से हमने 1 इंच, जैसे हम फीता निकालते हैं वैसे 1 इंच का फीता निकाल लेंगे लंबाई से, जैसे मैंने आपको 4 कली और सिंपल साया में बताया हुआ है। फीता हमने निकाल लिया है। अब इसके लिए हम नीचे जो फ्रिल डिजाइन डालेंगे मोहरी में उसके लिए कपड़ा निकालेंगे। यहाँ हमने लंबाई से ही इसके जो नीचे फ्रिल डिजाइन निकालना है, तो देखिए 2.5 इंच की 2 पट्टियाँ हमने निकालनी, जैसे 1 इंच की हमने कम फीता निकाला था वैसे 2.5 इंच की 2 पट्टियाँ निकालनी है। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि हमने 2 फ्रिल डिजाइन के लिए पट्टियाँ निकाल ली हैं 2.5 इंच की, और कपड़े को हमने लंबाई में बिछा दिया जिस तरह से 4 कली को बिछाया हुआ था। इसके बाद हमने इसको चौड़ाई में फोल्ड कर देना है इस तरह से, कि चौड़ाई है तो चौड़ाई में फोल्ड कर देंगे। तो देख सकते हैं आप कि हमने इसको चौड़ाई में फोल्ड कर दिया है। अब इसमें हम मार्क करेंगे कमर पट्टी का जो निशान लगाते हैं कमर पट्टी से, इसमें हमने इंची टेप से निशान लगाना है। तो चलिए इसका निशान लगा लेते हैं। कमर का नाप हमारे पास 35 था राउंड में, तो हमने 35 था उसमें प्लस किया था 7 इंच, तो 42 हुआ। 42 का हमने हाफ किया, यानी 42 को हमने 6 से डिवाइड करना, 6 कली की पेटीकोट बना रहे हैं तो हमारे पास 7 इंच आ रहा है। तो 7 इंच ही हमने मार्क करना है दोनों ही कमर। देखिए यहाँ से 7 इंच का मार्क करना है और इसके ऑपोजिट साइड में 7 इंच का मार्क करना है। तो पहले इस किनारे से हम 7 इंच का मार्क कर लेते हैं। यहाँ से देखिए 7 इंच है, तो 7 इंच का हम मार्क कर लेते हैं यहाँ पर, और उसके बाद हमने इसके ऑपोजिट साइड में 7 इंच का मार्क करना है। इसका ऑपोजिट साइड जो हमारा है ये वाला पार्ट है, तो इसके ऊपर वाले साइड में यहाँ पर मार्क करेंगे 7 इंच का। तो ये 7 इंच का मार्क कर लिया। अब दोनों पॉइंट को हमने मिला देना है यहाँ पर स्केल से, दोनों पॉइंट को मिला देंगे। और इसे कट कर लेंगे। पॉइंट्स जो मिला दिया हमने, कटिंग हो गई है हमारी। तब जो ये हमारे जुड़े हुए भाग हैं, देखिए यहाँ पर ये पॉइंट जुड़े हुए हैं, तो इसे अलग कर लेंगे। दोनों ही पार्ट में जुड़े हुए पार्ट हैं, तो इसे भी अलग कर लेंगे, इसे भी अलग कर लेंगे। यहाँ से ये 2 पॉइंट हमारे, छोटे छोटे 4 कलियाँ हैं और बड़ी वाली 2 कली है, तो 6 कली है टोटल। यहाँ से आप देख सकते हैं इसकी ये कमर है, कमर थोड़ी पतली होती है तो कमर पतली है। और यहाँ से आप इसको ये देखिए, यहाँ से पार है तो ये सीधा है, तो अपने तिरछा और सीधा मिलाना है जिस तरह से हम कर रहे थे 4 सेट में, वैसे ही करना है। यहाँ से इस तरह से मिला देना इसको, और यहाँ से इस तरह से, तो ये इस तरह से आपका आ जाएगा ऐसे।
ये हमारा पेटीकोट इस तरह से हमने कटिंग कर लिया है। अब इसकी हमने आपको प्रोजेक्ट में आपको साथ में बता दिया था कि किससे इसको लिखना है, क्योंकि जो ये हमारी इंची टेप से हमने इसको कट किया हुआ है, इंची टेप से मिल करके, तो मैंने आपको बताया कि इंची टेप में किस तरह से इसको कट करना है। एक बार मैं आपको और बता देती हूँ। अगर आप जो साया है, जो पेटीकोट है, उसको मेजर करके किसी के कमर से नाप के बनाना है, तो हम जितना कमर होगा उसमें 7 या 8 इंच, आप 7 पॉइंट जिसमें मैंने उसमें 7 पॉइंट जो ऐड किया था, आप 8 भी कर सकते हैं। और जैसे अब कमर के जैसे 36 इंच था, तो मेरा 35 इंच था, तो मैंने उसमें 7 प्लस किया था, 42 आया था। यहाँ पर है 36 है, तो उसमें प्लस करेंगे तो 8 आएगा। अगर 8 प्लस कर रहे हैं तो 36 में अपने 8 प्लस किया, 7 प्लस भी कर सकते हैं, 8 भी कर सकते हैं। तो जितना आएगा उसका आपने क्या करना है, छठा भाग निकाल लेना है। छठा भाग निकाल कर वो जैसे यहाँ पे लिखा है मैंने कि 44 इंच का कमर पट्टी निकालना होगा, और कमर पट्टी को 3 बार फोल्ड करके निशान लगाना है, या तो 44 को 6 से डिवाइड करके यानी 44 का छठा भाग लेकर निशान लगा सकते हैं और कटिंग, जैसे कि अब मैंने आपको इंची टेप से बता दिया था, उसका 42 का मैंने छठा भाग कर लिया था, तो हमारे पास 7 आया था, 7 इंच के हिसाब से मैंने निशान लगा दिया था। लेकिन आपको कमर पट्टी से किस तरह से लिखा है कि अगर 44 इंच का है तो हम निकालने के बाद उसको फोल्ड करेंगे, तो देखिए यहाँ पर हमारा जो कमर पट्टी है उससे भी बता देती हूँ मैं आपको, अगर कमर पट्टी से आपको आसानी पड़ता है तो कमर पट्टी से कर सकते हैं, अगर आप इंची टेप से करना चाहते हैं। देखिए जैसे ये कमर पट्टी है हमारे पास, तो इसको आपने करना क्या है, देखिए ये एक बार इस तरह से हुआ, ये पॉइंट जुड़ जाएगा, यहाँ से हमने इतना एक्स्ट्रा लिया है पार्ट, क्योंकि हमारा 42 का नहीं हो रहा था, इसलिए हमने एक्स्ट्रा पार्ट यहाँ पे लिया हुआ है कटिंग करके। 2 कमर पट्टी निकाला था हमने, 2 कमर पट्टी निकालने के बाद ये पार्ट जो है एक्स्ट्रा लेकर यहाँ पे ज्वाइंट करेंगे। ज्वाइंट करने के बाद हमने क्या करना है, इसको इस तरह से फोल्ड करना है। ये 2 बार हो गया, 1 बार फोल्ड था, 2 बार फोल्ड करते हैं तो हम 4 कट का साया कट करते हैं, और 1 बार 3 बार फोल्ड करेंगे तो 6 कट का था। 3 बार फोल्ड करके भी कमर का निशान लगा सकते थे, जिस तरह से मैंने 7 इंच दोनों तिरछा साइड में लगाया था अपोजिट साइड में, उस तरह से आप इस कमर को कमर पट्टी को रख के निशान लगा सकते थे। सो फ्रेंड्स इस तरह से भी आप कर सकते हैं और इंची टेप से भी कर सकते हैं, जिस तरह से आपको आसान लगे उस तरह से कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स आपको उम्मीद है कि आप इस कोर्स को कंप्लीट करेंगे अच्छे से, और आप बाकी के कोर्स भी कंप्लीट कर रहे होंगे। अगर आपने कोर्स कंप्लीट नहीं किया है तो कोई बात नहीं फ्रेंड्स, धीरे धीरे करिए, आराम से करिए, कोई भी दिक्कत हो परेशानी हो तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, इसमें जिसमें हमने आपको इसकी स्टिचिंग बतानी है, फ्रिल डिजाइन बताना है, किस तरह से डालना है, कमर पट्टी कैसे जोड़ना है, वो सब बताएंगे और उसके बारे में लिखना भी बताएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।